गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टेक ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकेट टूल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेट टूल। ये टैब ओपन किया, सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना होगा। तो जो डिफॉल्ट हमारी ग्रिड है उसी के ऊपर हम एक मॉडल बना लेते हैं। ग्रिड आ चुकी है तो हम यहाँ पर ऑल स्टोरे करते हैं और डिफॉल्ट बीम ड्रॉ कर लेते हैं और डिफॉल्ट कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास एक मॉडल आ चुका है। तो अब हम ऑन करते हैं अपना रेप्लिकेट टूल। तो हम जाएंगे एडिट, एडिट में है आपका रेप्लिकेट, कंट्रोल प्लस आर से भी आप रेप्लिकेट को ऑन कर सकते हैं। मैंने इस पर रेप्लिकेट पे क्लिक किया तो हमारा रेप्लिकेट टूल आ गया है। देखिए यहाँ पे एक टैब है लीनियर, एक है रेडियल, एक है मिरर और एक है स्टोरे। एक एक टूल की बात करते हैं। सबसे पहले लीनियर। लीनियर मीन्स होता है किसी एक डायरेक्शन के पैरेलल, या तो x डायरेक्शन के पैरेलल किसी चीज का इंक्रीमेंट या फिर y या फिर z। तो देखिए लीनियर में सबसे पहले आ रहा है इंक्रीमेंट डाटा dx और dy, यानी कि जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया है वो dx यानी कि x डायरेक्शन में कितना इंक्रीमेंट हो उसका और y में कितना इंक्रीमेंट हो मीटर यूनिट में और कितनी बार इंक्रीमेंट हो। मान लीजिए मैं x में देता हूँ 1 मीटर, तो जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया है वो x डायरेक्शन 1 मीटर एक और आ जाएगा। अगर मैं नंबर में डालता हूं 2 तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पिकअप 2 पॉइंट ऑन मॉडल। कोई 2 पॉइंट हम पिकअप कर सकते हैं या तो मॉडल से या हम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को एलिमेंट को मेंबर को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं लीनियर में वो डिलीट हो जाएगा यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं, और उससे जो नए एलिमेंट बने वो रहेंगे। अगर इस पर टिक नहीं करते तो वो भी रहेगा जो ओरिजिनल है और जो रेप्लिकेट हुए वो भी रहेगा। हम मॉडिफाई कर सकते हैं रेप्लिकेट की प्रॉपर्टी को, ठीक है, कि किस चीज को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आए, यानी कि इस मेंबर को अगर मैं रेप्लिकेट करता हूँ तो इसके ऊपर कौन जो जो प्रॉपर्टी है, फोर्स है, लोड है, वो जो रेप्लिकेट है उनके ऊपर भी आए या ना आए वो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जॉइंट में, फ्रेम में, सेल्स में और लिंक में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये मेंबर सिलेक्ट किया, ये वाला। देखिए ऑल स्टोर है तो सारे मेंबर सिलेक्ट हो गए यहाँ के, थोड़ा सा इधर से जूम आउट कर लेते हैं। ये मेंबर सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैंने एक्स डायरेक्शन में डाला 1 मीटर, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है। केवल मैं माउस ओके के ऊपर ले आता हूँ तो सारे नीचे के मेंबर एक एक मीटर और कॉपी हो जाते हैं। देखिए ई टैब की ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मैंने देखी, कि हमें ओके करने की जरूरत नहीं है, माउस को केवल ओके पे ले जाएंगे तो इमेजिनरी व्यू दिखा देगा वो, हमें पता जाएगा सही है या गलत है, ठीक है, आप समझ गए। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब ओके करता हूँ, कर दूंगा तो जो पहले से ओरिजिनल बीम से वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ 2, ओके पे ले आता हूँ, देखिए 2 हो गए। यहाँ डाल देता हूँ 10, ओके पे ले आता हूँ तो 10 हो गए। एक बार यहां क्लिक करके फिर ले आना पड़ेगा, देखिए 10 हो गए। अब मैं y में भी डाल देता हूं 1 मीटर, एक बार यहां क्लिक करना होगा। अब देखिए थोड़े तिरछे हो गए क्योंकि अब इनको दोनों डायरेक्शन मूव हो रहे हैं। अगर मैं x में कर देता हूं 0, अब देखिए ऊपर की ओर जाएंगे, सॉरी y तो इधर है ना, तो देखिए यहां पे देखिएगा हल्का सा डैश दिखाई देगा फिर ब्लू,
यानी कि ये बीम इधर रेप्लिकेट हो गए वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बार हम एक्स डायरेक्शन में ओके करके देख लेते हैं, फाइव स्टेप, फाइव सॉरी 1 मीटर स्पेसिंग पे 3 स्टेप काफी है, ओके कर देते हैं। देखिए ये आ गए, है ना। कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं, दोबारा रिमेंबर सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आर से रेप्लिकेट। अब हम क्या करते हैं, डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, अब ओके करते हैं। तो देखिए ओरिजिनल डिलीट हो चुका है, ग्रिड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड और कंट्रोल आर से दोबारा, तो इसमें और कुछ तो समझने वाला है ही नहीं, ये तो हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेडियल, ठीक है। रेडियल में सबसे पहले पूछ रहा हूँ सेंटर, जो हम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे किसके अबाउट, किस सेंटर के अबाउट रेप्लिकेट होगी। जैसे कि मैंने ये मेंबर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये किसके अबाउट रोटेट होगा, तो मैं ये जॉइंट समझ लेता हूँ कि इस जॉइंट के अबाउट होगा। तो मैंने यहाँ से स्पेसिफाई किया, अगर यहाँ करते तो ओरिजिन, लेकिन यहाँ करते तो पिकअप पॉइंट पर क्लिक किया और ये पॉइंट ले लिया, ये आ गया x में 24 मीटर ये। अब मैं ओके पे ले आता हूँ, तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है देखिए, उसकी एक 90 डिग्री पे दूसरी लाइन बन गई, फिर एक और 90 डिग्री पे दूसरी लाइन बन गई, क्योंकि यहाँ पे एंगल डला हुआ है 90। अगर मैं यहाँ डाल दूँ 5 डिग्री, देखिए अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे -5 तो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे एक बार क्लिक करने का, ये देखिए अगर मैं यहाँ डाल दूँ नंबर ऑफ लाइन्स 10, तो देखिए वो जो हमने बीम सिलेक्ट किया था और जो ओरिजिन सिलेक्ट किया है, वहां से वो 5-5 डिग्री पे आपका 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे स्टेयर केस बनाने में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं है, ओरिजिनल सब ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, रोटेट अबाउट लोकल एक्सिस है। अब हम किसी और के अबाउट रोटेट करके देखते हैं इसको, मैं चाहता हूँ इसके अबाउट रोटेट हो, तो पिकअप पॉइंट ये ले लिया मैंने। अब देखिए जरा कमाल, हमें रोटेट होगा इसके, इस नोड के अबाउट, कौन सा बीम, ये वाला। अगर मैं ओके पर ले आता हूँ तो देखिए ये कैसे रोटेट हो रहा है उसके अबाउट। अगर मैं यहाँ ले लूँ, अगर मुझे 360 चाहिए तो कितने नंबर चाहिए हमें, देखिए 360 divided by 5 72, तो पूरा सर्कल करीब रहा है। देखिए किसके अबाउट रोटेट हो रहे हैं ये, इसके अबाउट, और ओके पर केवल ले आ रहा हूँ तो मैं इस तरीके। तो ये है आपका रेडियल, ठीक है। सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो सेंटर के अबाउट लोकल एक्सिस में, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। अब जाते हैं हम मिरर टूल। मिरर में क्या होता है कि उसी एलिमेंट की मिरर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो पिकअप टू पॉइंट, मैंने एक ये सिलेक्ट किया और एक ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और ओके पे मैं ले आता हूँ, तो देखिए इसकी मिरर इमेज बन जाती है सामने, है ना। ये लाइन जो है 8 मीटर, ये ऐसे बन जा रही है मिरर इमेज, तो ये मिरर का है। और जो सबसे ज्यादा काम आता है वो आता है स्टोरे, हमें फोर्थ स्टोरे को ही रिपीट करना है 5th 6th पे। तो क्या रिपीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास ग्रिड है ही नहीं। जब सबसे पहले हमें ग्रिड बनानी होगी, तो मैं एडिट में गया स्टोरे और मैंने ग्रिड ऐड कर ली 10, ये ग्रिड ऐड हुई है केवल, बीम कॉलम नहीं। अब मैं जाता हूँ रेप्लिकेट में, स्टोरे में, मैं चाहता हूँ जो फोर्थ स्टोरे है ना, वो रेप्लिकेट हो आपका 5th पे। ओके पे ले आता हूँ, सॉरी इसमें क्या करना होता है, पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, मेरे ध्यान नहीं रहा। मैंने यहां से लिया स्टोरे, मैंने फोर्थ स्टोरे सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल आर से रिपीट। अब मैं चाहता हूँ ये 5th से लेके 7th तक ये स्टोरे बन जाए, देखिए बन गया, है ना। तो जो स्टोरे आपको ऊपर बनाना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल आर से आपको रेप्लिकेट में जाना है, फिर वो स्टोरे सिलेक्ट करने की कहाँ पर वो कॉपी हो, अब वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक था, इसका मतलब ओरिजिनल जो डिलीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ डिलीट नहीं, इस पर क्लिक नहीं होता है मार्क, तो ये डिलीट नहीं होता। तो ये है आपका रेप्लिकेट टूल, आप अच्छे से जान गए होंगे रेप्लिकेट टूल, मॉडलिंग में बहुत काम आता है ये। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी और से पूछेंगे जो कई सालों से इस पे काम कर रहा है ई टैप पे या किसी कंसल्टेंसी में, तो वो भी इतना नहीं जानता है। लेकिन अगर एडवांस मॉडलिंग और आप चाहते हो किसी भी टाइप की आप बिल्डिंग डिजाइन कर सको, मॉडल बना सको, तो ये सब टूल जानने जरूरी होते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।